नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की खबर से। बक्सर में सीएम के काफिले पर हमला हुआ था और इसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू और बीजेपी की ओर से हमले के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद आरजेडी ने जांच टीम का गठन किया है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के नेतृत्व में जल्द ही आरजेडी की टीम नंदन गांव जाएगी। पत्थरबाजी पर पॉलिटिक्स जारी, आरजेडी ने जांच टीम का किया गठन। बक्सर के नंदन गांव में सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर सबसे ज्यादा सवाल आरजेडी पर उठ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने तो इसके लिए आरजेडी को जिम्मेवार भी ठहरा दिया। इस तरह के आरोपों के बाद आरजेडी ने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया है। तो राष्ट्रीय जनता दल जाएगी और देखेगी और एक एक बिंदु पर जो है कि वहाँ जांच करने के बाद पुनः आपके माध्यम से बिहार और देश की जनता को बताने की काम करेगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सीएम के काफिले पर हमले के बाद डुमराव थाने में कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासत भी परवान चढ़ रही है। आरजेडी की जांच कमेटी पर जेडीयू और बीजेपी को भरोसा नहीं। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव और इन लोग जो हमला के उसे मिली भगत है। जांच हो रहा है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा आप लोग किन लोग कहां थे। क्या जांच करेंगे, जज भी हो जाए या दोषी भी बन जाए, ये नहीं चलने वाला। सरकार का जो टीम बना है वो जांच कर रही है और निश्चित तौर पर इसका फलाफल निकलने वाला है। इसका ऑलरेडी आई विटनेस वीडियो फुटेज है, उसमें क्या जांच करेंगे। नेतागिरी कर सकते हैं, नेतागिरी का एक मैदान तैयार हो सकता है। पत्थरबाजी की घटना के बाद सवालों के घेरे में आरजेडी ही है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि आरजेडी की जांच रिपोर्ट में क्या बात सामने आती है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आरजेडी के बाद कांग्रेस ने भी नंदनगांव की घटना के लिए बक्सर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है, लेकिन कांग्रेस की यह कमेटी गठन के साथ ही विवादों में आ गई है। स्थानीय विधायक संजय तिवारी ने जांच कमेटी के गठन की जानकारी से इनकार किया है। पत्थरबाजी पर पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने गठित की जांच कमेटी। विकास समीक्षा यात्रा के दौरान बक्सर के नंदन गांव में सीएम के काफिले पर हुए हमले की जांच के लिए कांग्रेस ने भी जांच कमेटी का गठन कर लिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने बक्सर कांग्रेस जिलाध्यक्ष को जांच का जिम्मा सौंपा है। तो जहां तो प्रशासन ने जो वहां कार्रवाई की उसकी भी हम निंदा करते हैं। वहां कई ऐसे इनोसेंट लोग हैं, कई ऐसे दलित बस्ती के लोग हैं जिनको जबरदस्ती उनका नाम FIR में दर्ज किया गया है, उनकी अरेस्टिंग हो रही है। मैंने एक आज जांच समिति बनाई है और वहां के जिलाध्यक्ष को मैंने निर्देशित किया है कि अद्यतन एक रिपोर्ट वहां से अविलंब प्रदेश कार्यालय को एक अपना प्रतिवेदन सौंपे, जिससे मालूम चले कि किन किन लोगों का नाम वहां के प्रशासन ने डाला है। जांच कमेटी पर कांग्रेस में कलह, संजय और अशोक ने उठाए सवाल। कौकब कादरी की ओर से गठित जांच कमेटी पर स्थानीय विधायक संजय तिवारी और पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सवाल उठाए। इनके ऊपर आलाकमान ने विश्वास व्यक्त किया है, उसकी ये जवाबदेही है कि करना। अब ये नहीं कर पाए हैं स्थानीय विधायक को, तो ये उन लोगों का अपना तरीका है काम करने का। लेकिन है कि मैं समझता हूं कि स्थानीय विधायक को विश्वास में लेना चाहिए था। एक ही विधायक वहां पर, उनको भी विश्वास में लेना। पॉलिटिकल साजिश का बू हमको नहीं आ रहा है। उसमें ये मैं सरासर कहूंगा कि पुलिस की निष्क्रियता है और पुलिस जानते हुए इस घटना को ससमय दबाने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो ऐसा ये कुचित प्रयास सफल नहीं होता। सीएम के काफिले पर हुए हमले पर सियासी दल माइलेज लेने की फिराक में जुटे हैं और कांग्रेस भी आतुर है। आरजेडी से अलग दिखने की इसी आतुरता ने कांग्रेस को शायद जांच कमेटी गठन करने को मजबूर किया। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अपराध के मुद्दे पर एक बार फिर आमने सामने हैं। अपराध को लेकर जेडीयू जहां लालू प्रसाद के शासनकाल पर सवाल उठा रहा है, तो आरजेडी लॉ एंड ऑर्डर पर मौजूदा सरकार की नीतियों को गलत बता रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत, मंगल राज बनाम जंगल राज की जंग।
जेडीयू का दावा है कि राज्य में कानून का राज है, अपराधियों पर नकेल कसी गई है। सीएम नीतीश कुमार जंगल राज से राज्य को निकालकर मंगल राज की ओर ले गए। ये नीतीश जी का राज है, अपराध कहीं रुकता नहीं है, लेकिन अपराध यहाँ होता है तो त्वरित कार्रवाई भी होता है और जेल के सलाखों के पीछे होता है। चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, ये कोई बचने वाला नहीं है। पाताल में भी रहेगा तो उस अपराधी को खोज लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के बहाने पार्टी और सुप्रीमो पर हुए हमले के बाद आरजेडी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पर जिस तरीका का आरोप, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या जेडीयू के लोग हों, ये अनाप शनाप ये बयान दे रहे हैं। इनको ये पता करना चाहिए, इनके सारे महकमा इनके अंडर में है, जितनी भी जांच कमेटी, पुलिस से लेकर के जो है कि पुलिस से लेकर के डीएम तक, एसपी से लेकर के सारे लोग इनका है, ये जांच कराना चाहिए। सवाल राज्य में नरसंहार की घटनाओं को लेकर उठे हैं, तो आपको बता दें कि राज्य में अब तक हुए 100 से भी ज्यादा नरसंहारों में सैकड़ों लोग मौत की नींद सुला दिए गए और परिजन कोर्ट कचहरी का चक्कर इस उम्मीद में लगा रहे हैं कि आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और अब बात लालू प्रसाद से मुश्किल मुलाकात की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मुश्किल मुलाकात क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि होटवार जेल में लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन था, लेकिन तेजस्वी यादव को सिर्फ 5 मिनट मिलने दिया गया, जिस पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची के होटवार जेल में कैद लालू प्रसाद यादव से उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। जेल प्रशासन ने तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए मात्र 5 मिनट का समय दिया। मुलाकात के कम समय पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। जेल प्रशासन द्वारा सारा टाइम जो है बाहर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का किल किया गया, और मुश्किल से मात्र 5 मिनट ही हम लोगों को मौका मिला कि उनसे बात हम लोग कर पाए। मुश्किल से 2 से 4 मिनट हमारी मुलाकात हुई। जेल मैनुअल के मुताबिक सप्ताह में एक दिन मात्र 3 लोग लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात की अवधि 30 मिनट तय है, लेकिन आरजेडी नेताओं की माने तो जेल प्रशासन लालू यादव के मुलाकातियों को पर्याप्त समय नहीं दे रहा है। आप समझ लीजिए कि एक पिता को से पुत्र को मिलने के लिए 3 मिनट ठीक क्यों? अब मैं इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, देश जान रहा है, इसलिए तो हमारा जो हर जो आरोप है वो पुख्ता होता है। आरजेडी के आरोप पर जेल प्रशासन ने अपनी सफाई नहीं दी है। अगर आरजेडी के नेताओं के आरोप सही हैं, तो जेल प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के दूसरे मामलों में लगातार पेशी का सामना करना पड़ रहा है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। कोर्ट में लालू यादव ने जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की अपील की। डोरंडा मामले में सीबीआई की ओर से गवाह के नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। अब इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जज शिवपाल सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। देखिए, आरसी 47A 96 जो कि डोंडा कोषागार का मामला है, उसी मामले में चूंकि प्रोडक्शन में लालू प्रसाद जी को बुलाया जा रहा है और उसी मामले में वो फिजिकल आए थे, कोर्ट में उपस्थित भी हुए, लेकिन आज सीबीआई की तरफ से चूंकि वो गवाही एविडेंस पर चल रहा है, उसी में सीबीआई की तरफ से गवाह आज प्रस्तुत नहीं किया गया और वह हाजिर लगा के फिर वापस जेल चले गए हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप गवाह है, डे टू डे चल रहा है यह मामला, इस मामले को आप जल्दी से सुनवाई कीजिए और गवाह लाने के लिए उनको कहा गया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर सहमति बनी। 27 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पटना समेत 13 शहरों में ड्रेनेज सिस्टम में सुधार को स्वीकृति दी है। ड्रेनेज सिस्टम में सुधार पर करीब 800 करोड़ रूपये खर्च होंगे। पटना में बेउर से मीठापुर तक ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, इसके लिए कैबिनेट में 39 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। जो यह सत्र 26 फरवरी से आरंभ होकर अप्रैल महीने की 4 तारीख तक है। फिर बजट की तारीख तो
अंतिम रूप से इसकी इसके इसको निश्चित किए जाने के बाद फिर घोषित होगा, परंतु अभी के प्रस्ताव में यह फरवरी माह के अंत में आता है बजट। राज्य में बजट की तिथि घोषित होते ही इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2018-19 के बजट के लिए राज्य सरकार आम लोगों से भी सुझाव लेगी। बिहार सरकार अलग अलग 5 समूहों से बजट पूर्व चर्चा करेगी। पहले समूह में उद्योग, व्यवसाय, परिवहन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और रियल एस्टेट से जुड़े प्रतिनिधियों से राय ली जाएगी। दूसरे ग्रुप में कृषि, मत्स्य, पशुपालन, मुर्गी पालन और सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों की राय ली जाएगी। तीसरे समूह के तहत स्वास्थ्य से जुड़े लोगों से चर्चा होगी और चौथे ग्रुप के तहत केंद्रीय लोक उपक्रम से जुड़े लोगों से बातचीत होगी, जबकि पांचवें समूह के तहत राज्य सेवा के लोक उपक्रम से जुड़े लोगों से बात होगी। इसके अलावा बिहार बजट के लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। कोई भी शख्स 30 जनवरी तक वित्त विभाग की वेबसाइट finance.bih.nic.in पर अपनी राय दे सकते हैं। जो बेहतर सुझाव मिलेंगे उसे केंद्र सरकार से साझा किया जाएगा। 18 जनवरी को जब आम बजट के लिए दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली मीटिंग लेंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शिरकत करेंगे। केंद्रीय बजट तो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, लेकिन बिहार का बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किए जाने की संभावना है। जब विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा तो उसके तो एक मुझे लगता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में बिहार का बजट पेश होगा जाए। चलिए बात बक्सर में बर्निंग ट्रेन की। बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। टूरीगंज और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर मगध एक्सप्रेस के इंजन में अचानक से आग लग गई। इंजन से तेज धुआं निकलता देख ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। इमरजेंसी ब्रेक लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। कई यात्री ट्रेन से कूद पड़े जिससे कई यात्रियों को चोट भी आई है। इस घटना के कारण अप और डाउन लाइन पर रेल यातायात प्रभावित है। चलिए अब खबर भीड़ के गुस्से की। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार में कानून को हाथ में लेकर किसी को मौत की घाट उतारने का मामला बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य के 2 जिलों में लोगों ने कानून को दरकिनार कर खुद ही इंसाफ कर दिया। रोहतास के छावा गांव में चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। शव की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं औरंगाबाद के गोवंडी में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने दूसरे भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हैं। पीट पीट कर मौत के घाट उतारने की इस घटना के बाद यह सवाल उठने लगा है कि कानून को आखिर लोग हाथ में क्यों लेने लगे हैं? क्या पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं रहा? पुलिस तंत्र पर भीड़ तंत्र क्यों हावी है? क्या अफवाहें लोगों पर हावी होती जा रही हैं? आखिर किसी की जान लेना कैसा इंसाफ हो सकता है? राज्य में भीड़ किस कदर आक्रामक हो गई है यह सहरसा में भी देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में एक महिला पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी की यह घटना महिषी थाना क्षेत्र के तेघरा की। अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है। गया के बेलागंज में बेखौफ बदमाशों ने उप मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने मुखिया के परिवार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बेलागंज में बेलगाम बदमाश उप मुखिया को मारी गोली। मामला गया के बेलागंज का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गोलियों की बरसात कर अकथू कंचनपुर पंचायत के उप मुखिया की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आधी रात को अपराधियों ने उप मुखिया विनोद पासवान के घर में घुसकर गोली मार दी। पहले सर बकरी छरदे वाली दिया टाप के पहले बकरी के मारा। बकरी जब में आने लगा तो वही आप ही कहे कि बकरी आज हुराइल हो देखना, तो हम कहे ना कि ना भूखल चिचिया तो कि ना देख। जब उठ के वो पैर हाथ ऐसे ऐसे सोच करे लगे कि हम निकलेंगे बाहरे पैर पेशाब करेला, तो ये लालू और गुड्डू छरदेवाली टाइप के जब गेट खोले तो जाके
गोली भिड़ा दिया। जब उन लोग पर हम जाके ऐसे सूते हैं तो हमको झकड़ो पकड़ के उन लोग से किनारे कर दिया। विनोद की पत्नी पंचायत की मुखिया के पति और देवर पर हत्या का आरोप लगा रही है। कुछ दिन पहले ही हुए विवाद के बाद मुखिया के देवर ने विनोद को जान से मारने की धमकी दी थी। दो गो सामने गए और एक गो गेटे पर खड़ी थे, तीन गो लालू गुड्डू रिजू ना उसको भोजाई है मुखिया। हाँ वो काज करता ने उसको नाम चढ़ावा गया है, काज करता ने सब तो करता धरता यही थे, यही उसको लूरो बताए वाला या उलट के ले लिया। अक्थू कचनपुर गांव के चौकीदार हैं, उन्हीं का लड़का है और रात में अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई है। उनका इलाज यहाँ पर कराने के लिए हम लोग लाए तो यहाँ मृत घोषित कर दिए गए। ये वार्ड से जीते हुए थे, अभी शायद वो मुखिया थे, अभी तो चल रहा है छानबीन। चल पता रही उनकी पत्नी की घर में घुस के ही मारा गया, कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जयप्रकाश, जी मीडिया, गया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की इलाके में दिनदहाड़े महिला डेयरी संचालक से 1,50,000 रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर महिला के सिर पर पिस्टल की बट से हमला करके घायल कर दिया गया। लूट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस मामले में डीएसपी टाउन आशीष आनंद ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी के सहारे अपराधी तक जल्द पहुंच जाएगी। वाहन चोरी के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना समेत 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार वाहन चोरी और लूट की खबरें सामने आ रही थी। इसे लेकर सिटी एसपी पश्चिमी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने नेवरा गांव से बदमाशों को पकड़ा है, जबकि 9 वाहनों के साथ 3 देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि नीरज और गौतम नाम के अपराधियों की हत्या के मामले में भी तलाश थी। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। की गई, उसके अलावा भी कई गाड़ियां लूटने की बात सामने आ रही है। बाकी जिलों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जहां जहां बेची गई हैं गाड़ियां उनके खरीदारों के बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं और पूरा जो इसमें नेक्सस है, सप्लाई चेन नेटवर्क जो इसमें काम करता है, उसकी तह तक हम लोग जाएंगे। 6,000 स्टूडेंट्स और महज 11 शिक्षक, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई किस तरीके से होती होगी। सुपौल जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बीरपुर में ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय है, जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। सुपौल के बीरपुर के छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए इस कॉलेज की स्थापना 1970 में की गई थी। कॉलेज का नाम है ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय। शुरुआत में 42 शिक्षक थे, लेकिन जैसे जैसे छात्रों की तादाद बढ़ती गई, शिक्षकों की संख्या कम होती गई। आज कॉलेज में केवल 11 शिक्षक हैं। इनके जिम्मे 5,900 स्टूडेंट्स की पढ़ाई का भार है। जो शिक्षक हैं भी, छात्र छात्राएं उनसे खुश नहीं। कंडीशन देखा जा रहा है कॉलेज में तो बहुत सारी कंडीशन है, ना ही स्टैंड है, साइकिल स्टैंड नहीं, रेगुलर सर का आना, सर का टाइम जो है 10 बजे तो आते हैं 12 बजे, और 2 बजे तक कोई मिलते नहीं है। कोई काम, एक छोटी सी काम के लिए 3 रोज के बदले 4 रोज आना पड़ता है, 1 रोज में काम नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था का ठीक ठाक नहीं है, और ये बनने के लिए जो रहा ये अभी तक बनता ही रह गया। और इसमें जो भी स्टूडेंट अगर आता है पढ़ने के लिए तो सर लोग उनको बोलते हैं कि जाके कोचिंग में पढ़िए। अभी तक इनका सारा व्यवस्था देख लीजिए, जो कि अभी तक इस कॉलेज में ताला लगी हुई है, स्टूडेंट का कहीं पता नहीं। स्टूडेंट आता है सर लोग उनको भगा देते हैं। जब बोलते हैं सर को जो हम लोग का क्लास है पढ़ाई की, हम लोग को पढ़ाई करना है, तो वो बोलते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसका टीचर है ही नहीं पढ़ाई होगा, तो हम लोग को मजबूरन कोचिंग करना पड़ता है। अगर यहाँ पे सही रूप से पढ़ाई होता, शिक्षक होते, तो हम लोग को कोचिंग नहीं करना पड़ता। कॉलेज में इंटर से लेकर बीए तक की पढ़ाई होती है। इसमें फिलहाल हिंदी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, मैथिली और बॉटनी विभाग में शिक्षकों के पद खाली हैं। प्राचार्य के मुताबिक बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को कई बार सूचना दी गई, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। शिक्षक और शिक्षकेतर की कमी है, और हम लोग बहुत बार यहाँ से प्रयास भी किए हैं, गवर्नमेंट तक प्रयास किए हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी जो स्थिति है,
वह बहुत दयनीय स्थिति है, दुखद स्थिति है। स्टूडेंट के को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो हम लोगों को देनी चाहिए, और जो संख्या है स्टूडेंट छात्र की संख्या है, उस हिसाब से अभी टीचर नहीं है। एक तरफ शिक्षा में सुधार के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुपौल में स्टूडेंट्स बिना शिक्षक के पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में छात्र इंतजार कर रहे हैं कि कब होनहार छात्र छात्राओं के लिए मशहूर बिहार की धरती पर शिक्षा से जुड़ी बुनियादी समस्याएं दूर होंगी। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। बड़ी खबर पटना से आ रही है। बालू के बाद ईंट भट्टों पर अब नकेल कसी गई है। बिना ई चालान ईंट जब्त किए जाएंगे। सभी ईंट भट्टे पर ई चालान से बिक्री के आदेश दे दिए गए हैं। बिहार सरकार ने लागू किया है आदेश आज से, तो बिना ई चालान ईंट जब्त कर ली जाएगी, अब ईंट की बिक्री नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। बालू के बाद अब ईंट भट्टों पर शिकंजा कसने की, नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। बिना ई चालान ईंट जब्त होगा। सभी ईंट भट्टे पर ई चालान से ही बिक्री के आदेश दिए गए हैं और आज से ही ये आदेश लागू कर दिया गया है। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर चर्चा हुई। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी शामिल हुए। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं की राशि बढ़ाने और समय पर राशि जारी करने की मांग की है। साथ ही मिड डे मील की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजने का आग्रह किया। उन्होंने पुस्तकों की राशि भी लाभुकों के खाते में भेजने और प्रकाशकों को सूचीबद्ध करने की अपील केंद्र सरकार से की है। कल उच्चतर शिक्षा पर भी बैठक में चर्चा होगी। लेकिन बिहार गरीब राज्य है, संसाधन की कमी है, इसकी चर्चा हमने किया। केंद्र से जो राशि मिलती है उसको बढ़ाने की जरूरत है, केंद्रांश और समय पर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारी बहुत सारी योजनाएं बाधित हो जाती हैं। तो हमने माननीय मंत्री से अनुरोध किया और उन्होंने आश्वासन भी दिया। बिहार के कद्दावर नेता रघुनाथ झा नहीं रहे। 78 साल की उम्र में रघुनाथ झा काफी समय से जो बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भर्ती थे। आरजेडी के सबसे पुराने और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विश्वस्त लोगों में से वो एक थे। नेताओं ने उनके निधन को बिहार के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। नहीं रहे रघुनाथ झा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे रघुनाथ झा ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो काफी समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनके निधन से बिहार ने एक और गद्दावर नेता खो दिया। गरीब परवर और गद्दावर नेता थे। बिहार को क्षति हुई है, देश को क्षति हुई है और राष्ट्रीय जनता दल परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। आदरणीय रघुनाथ झा जी के आकस्मिक निधन से हम लोग बहुत शोकाकुल हैं, क्योंकि जहां राजनीति का अपूर्णीय क्षति हुआ है बिहार में, वैसे ही हम लोग का व्यक्तिगत क्षति भी हुआ है, क्योंकि वो हमारे पारिवारिक भी थे। 82 साल के रघुनाथ झा शिवहर जिले के अंबा गांव निवासी थे। सबसे ज्यादा 6 बार वो शिवहर से विधायक भी रहे और 2 बार सांसद के तौर पर गोपालगंज और बेतिया का प्रतिनिधित्व किया। वो 1960 से सक्रिय राजनीति में रहे, कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी में दोबारा शामिल हुए। आरजेडी परिवार उनके निधन से मर्माहत है। लालू यादव के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने भी उनके निधन पर शोक जताया। पूरे दल के तरफ से, सभी लोगों की तरफ से उनके मृत आत्मा को, झा जी के मृत आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको काफी लाखों लोग, साथी, राष्ट्रीय जनता दल के सबको। बिहार बदल रहा है और बदलाव की इस इबारत को लिखने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। अब महिलाएं रूढ़ियों को पीछे छोड़ कामयाबी की नई कहानी लिख रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आधी आबादी को बराबरी का हक देने का सपना भी अब साकार हो रहा है। बदलते बिहार में नारी सशक्तिकरण की ऐसी हवा चली कि इस बयार में इस महादलित टोले की ये महिलाएं भी सराबोर हो गई। दानापुर के हिबरा गांव की महिलाओं से मिली,
कभी दाने दाने को मोहताज रहने वाली इन महिलाओं ने खुद का बैंड बनाया और रूढ़िवादियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। जो कभी दाने दाने को मोहताज थी, आज वो अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये लोग बहुत अच्छा तरक्की किया कि एकदम बिहार बदल गया, महिला बैंड हो गया ढिबरा नाम में। अब सारा बिहार में भी ये लोग जा रहा है, देश विदेश में भी इसका जा रहा है। पहले घर के घरवार में रहते थे, खेत बधार में करते थे, घरे में रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। अब बहुत दूर दूर जाते हैं बजाने के लिए, जहाँ न गए थे जहाँ भी चल गए। इसके साथ ही बिहार में आधी आबादी के सशक्तिकरण का सीएम नीतीश कुमार का सपना भी साकार हो रहा है। सात निश्चय के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में और काम हुआ। स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, 8 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन पूरे बिहार में हो चुका है। 10 लाख स्वयं सहायता समूह के गठन का हम लोगों का लक्ष्य है। इन महिलाओं की बुलंदियों ने समाज की सोच भी बदल कर रख दी है। अब ये महिलाएं हर रोज 1,000 रुपए कमाती हैं, जिससे घर खर्च के अलावा बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मुहैया हो रही है। ये अलग रोजगार खोज करके हमको लगा कि हम तमिलनाडु में आंध्रा में देखे थे महिलाएं बैंड बजाते हुए, वही चीज को मैं बिहार में भी उतारने का कोशिश की और हमारी महिलाएं बहुत इसमें अच्छा की, सफलता प्राप्त की। साल 2005 में सूबे की कमान संभालते ही सीएम नीतीश ने अपना पूरा फोकस आधी आबादी पर कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि महिलाएं अब पहले से भी बुलंद हो रही हैं। हाँ, शुरू में कुछ लगा था भद्दा टाइप की लेडीज लोग क्या बैंड बजाएगी, ऐसा सक्सेस होगा, ऐसा लोगों को लगा था कि ऐसा सक्सेस नहीं होगा, लेकिन लोग मेहनत किया है, ढंग से अच्छा किया है और कहीं कहीं नाम भी हो रहा है कि हाँ ढिबरा का महिला बैंड है, अच्छा बैंड है। सशक्त होते बिहार में आज इन महिलाओं की धुन गूंज रही है। जिन सपनों को नीतीश आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं सपनों को ये महिलाएं परवान चढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हीं खबरों के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही।